राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पिछले कई सालों से काम कर रही साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था आशीर्वाद ने पिछले दिनों 19वें आशीर्वाद राजभाषा पुरस्कार 2010 का आयोजन फिल्म प्रभाग में किया। इस मौके पर श्रद्धेय श्री अरविंद गुरुजी, हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष नंद किशोर नौटियाल और मशहूर नेत्रांगना श्री सितारा देवी प्रमुख अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। तो वहीं माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन नसीम सिद्दीकी, संपादक विश्वनाथ सचदेव और पत्रकारिता कोष के जनक आफताब आलम भी मौजूद रहे। इस मौके पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अरविंद कुमार सक्सेना और मुकेश शर्मा के अलावा कुलदीप सिन्हा जैसे कई महानुभावों को राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार समारोह के बाद MNS मीडिया न्यूज सर्विस से बातचीत करते हुए हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष श्री नंद किशोर नौटियाल ने हिंदी के सिलसिले में सरकार की उदासीनता पर चिंता व्यक्त की, तो वहीं राजभाषा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी में सांस्कृतिक कार्यक्रम, हिंदी में कवि सम्मेलन, हिंदी में वक्तृत्व प्रतियोगिता, इस तरह की चीज़ें रखेंगे तो ज़्यादा लोग आएंगे। मेरी राय है कि इसके ज़्यादा प्रचार प्रसार के लिए तमाम कॉलेजेस में इसको संगठित करना चाहिए, विश्वविद्यालय स्तर पर। जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के जितने विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों में हिंदी के प्रचार के लिए कोई एक विषय रख करके और तमाम छात्रों में उसकी प्रतियोगिता करवाओ। तो इसका अर्थ यह है कि कम से कम 25 लाख छात्रों में ये इस बात का चर्चा होगा और उन तक संदेश जाएगा। इस दौरान श्रद्धेय श्री अरविंद गुरुजी ने भी हिंदी के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। आशीर्वाद जो संस्था है ये तो हिंदी के लिए बिल्कुल आप कह दीजिए कि उस किस्म के लोग हैं जो प्रेमी हैं बिल्कुल, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो अब इतने लोग यहाँ सर इतना बड़ा संदेश लेके जा रहे हैं, 10 जगह बातें होती है, 10 से दूसरी 10 जगह बातें जाती, तो प्रचार प्रसार का माध्यम बेशक वो संक्षिप्त रूप में हो लेकिन सही लोगों तक हो, 1 से 2, 2 से 4, ये तो जोत से जोत वाला विषय है। तो बहुत अच्छा प्रचार प्रसार चल रहा है हिंदी का, और हिंदी का काफ़ी प्रभाव अब बढ़ चुका है। ये हम लोगों की गलतफहमी है कि लोग अंग्रेजी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जब अंग्रेज लोग हिंदुस्तान की दूसरी संस्कृति, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो हमारे संस्कृति का विषय, उसे एडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी गलतफहमी है कि हिंदी पिछड़ी हुई है। हिंदी खूब अच्छी फल फूल रही है, बढ़िया फल फूल रही है। आशीर्वाद संस्था के द्वारा आयोजित इसी कार्यक्रम में संपादक आफताब आलम की इंग्लिश में मीडिया डायरेक्टरी का विमोचन भी किया गया। कैमरा पर्सन नंद कुमार राउत के साथ सुनील शर्मा की रिपोर्ट, MNS मीडिया न्यूज सर्विस, मुंबई।